बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के एक बेहद ही महत्वपूर्ण शीर्षक जिसका नाम है विज्ञापन लेखन को जानेंगे। विज्ञापन लेखन जिसे अंग्रेजी भाषा में एडवर्टाइजिंग राइटिंग भी कहते हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते तथा समाज का एक अभिन्न अंग होने के नाते आप सभी को इस विषय में पूर्ण दक्षता हासिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि आज के औद्योगिक जगत में विज्ञापन लेखन का बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान है। आप अक्सर टीवी चैनलों, अखबारों और रास्तों पर अनेक ऐसे विज्ञापनों को देखते हैं जिनमें ढेर सारी आकर्षक बातें लिखी रहती हैं। उन आकर्षक बातों को पढ़कर ही आप उसके विषय की तरफ आकर्षित होते हैं। इस प्रकार विज्ञापन लेखन व्यापार जगत के लिए एक नींव है, इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि एक अच्छा विज्ञापन लेखन हम किस प्रकार से कर सकें ताकि हम आने वाले समय में व्यापार जगत के पेशे में यदि जुड़ना चाहते हैं तो उससे इसमें लाभ अर्जित कर सकें। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के प्रशासनिक कार्यों में भी विज्ञापन लेखन का प्रयोग किया जाता है। तो आइए पहले यह जान लें कि विज्ञापन लेखन किसे कहते हैं। विज्ञापन लेखन के अंतर्गत हमें पांच चीजों का ध्यान देना है। विज्ञापित वस्तु के विशिष्ट गुणों का उल्लेख, हमें जिस वस्तु का विज्ञापन करना है हमें उसके जो विशेष गुण है उसका उल्लेख अवश्य करना है। आकर्षक लेखन शैली, हमारी लेखन शैली आकर्षक होनी चाहिए। प्रस्तुति में नयापन, वर्तमान से जुड़ाव तथा दूसरों से भिन्नता, हम जिस विज्ञापन को बना रहे हैं जिस वस्तु के उसके लिए हमें एक नया विज्ञापन बनाना चाहिए। यदि हम पेन के विज्ञापन के लिए विज्ञापन लेखन कर रहे हैं तो हम किसी अन्य पेन के विज्ञापन लेखन को देखकर यदि विज्ञापन बनाते हैं तो लोग उसे देखना पसंद नहीं करेंगे, वह उसे पुराने वाले विज्ञापन की नकल ही समझेंगे। इसलिए हमें नयापन विज्ञापन लेखन में लाना चाहिए, परंतु इतना नयापन न हो कि वह वर्तमान को भूल ही जाए। वर्तमान के दृष्टिकोण को साथ में रखकर हमें विज्ञापन लेखन करना चाहिए। विज्ञापन में आवश्यक जितना हो उतने ही नारों का प्रयोग करना चाहिए। विज्ञापन लेखन में बाक्स, चित्र अथवा रंग का प्रयोग अनिवार्य नहीं है। विज्ञापन शब्द वी उपसर्ग तथा ज्ञापन मूल शब्द से बना है। वी का अर्थ है विशिष्ट और ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना, अर्थात विज्ञापन का अर्थ हुआ विशिष्ट सूचना। विज्ञापन का मूल उद्देश्य उत्पादक अर्थात जो वस्तुओं का उत्पादन करता है, बनाता है, उसको लाभ पहुंचाना होता है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से यह ग्राहकों को भी लाभ देता है। इसलिए विज्ञापन वही सही होगा जो उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों को लाभ पहुंचा सके। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक प्रभावी विज्ञापन वही है जो उत्पाद बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों को लाभ पहुंचा सके। सफल विज्ञापन के कुछ गुण हैं, रोचकता अर्थात विज्ञापन की शुरू की लाइनों से अंतिम लाइनों अर्थात पहली पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए कि वह रोचक लगे, लोग बार बार उसे पढ़ने का प्रयास करें। विशिष्टता, विज्ञापन विशिष्ट होना चाहिए, उसकी भाषा विशिष्ट होनी चाहिए, वह किसी विज्ञापन की नकल नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ पंक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, डेबू की छोटी कार, मैटीज का विज्ञापन गीत, इस पंक्तियों का ऐसे कुछ आपको खुद के बनाए हुए स्लोगन से विज्ञापन को लिखना शुरू करना चाहिए। सरलता, विज्ञापन जितने सरल होंगे उतने ही अधिक लोकप्रिय होंगे।
आम जनता विज्ञापन को अच्छे से पढ़कर समझ सके, ऐसा विज्ञापन होना चाहिए। संक्षिप्तता, लोगों के पास आज के समय में इतना समय नहीं है कि वह बड़े विज्ञापनों को देखना पसंद करें। उन्हें छोटे से छोटे विज्ञापन में ढेर सारी बातें समाहित कर देनी चाहिए। विश्वसनीयता, विज्ञापन के संदेश इस प्रकार से हो कि उपभोक्ता उस पर विश्वास कर सके। अतः विज्ञापन में इस तरह की अभिव्यक्तियां होनी चाहिए जो ग्राहक के मन में उत्पाद के प्रति विश्वास जगा सके, जैसे पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। संगत भाषा, विज्ञापन की भाषा संगत होनी चाहिए। विज्ञापन के संदेश के अनुसार भाषा का प्रयोग उचित है। आश्चर्य या कुतूहल का भाव, विज्ञापन लेखन में आश्चर्य एवं चमत्कार उत्पन्न करने वाले भाव होने चाहिए, जिससे विज्ञापन ग्राहकों को आकर्षित कर सके। विज्ञापन के प्रकार, वस्तुओं के विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन जो किसी वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो। इन विज्ञापनों में वस्तु के गुणों, मूल्यों आदि की जानकारी रहती है, साथ ही साथ ग्राहकों को खरीद के लिए प्रेरित भी किया जाता है। जैसे तरु चाय का विज्ञापन, सबकी पहली पसंद, सुस्ती हटाए ताजगी लाए तरु चाय के संग भरो जीवन में उमंग, और इस पर ऑफर भी दिया गया है 200 ग्राम केवल 40 रुपए में। उसी प्रकार सजावटी विज्ञापन, इस प्रकार के विज्ञापन पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। सजावटी विज्ञापनों में चित्रों, रंग, बड़े बड़े आकर्षक पंक्तियां, स्लोगन, कंपनी के लोगों आदि के प्रयोग किया जाता है। वर्गीकृत विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन समाचार के किसी निश्चित पृष्ठ पर कॉमन शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित होते हैं, जैसे किराए के लिए मकान चाहिए, वैवाहिक विज्ञापन, नविदा सूचनाएं आदि। इन विज्ञापनों में साज सज्जा का अभाव होता है तथा चित्रों आदि के प्रकाशन को भी अनुमति नहीं होती, केवल अति आवश्यक सूचनाएं संक्षेप में दी जाती हैं। इसके साथ ही राजनीतिक विज्ञापन, राजनीतिक विज्ञापन प्रजातांत्रिक गणतंत्रों राज्यों में इस विज्ञापन का विशेष महत्व है, खासकर चुनाव के समय आपको अपने आसपास अनेक प्रकार के पोस्टर होर्डिंग देखने को मिल जाते हैं, जिनमें अनेक लुभावने वादे किए गए होते हैं। इस प्रकार राजनीतिक विज्ञापन अपने आप में एक अहम भूमिका निभाता है भारत या अन्य लोकतांत्रिक देशों के चुनाव में। अनेक पेन का यदि आपको विज्ञापन दिया गया या किसी भी वस्तु का विज्ञापन दिया गया परीक्षा में, तो आपको सबसे पहले उस वस्तु के बारे में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ अनिक पेन का विज्ञापन लिखा है, आप इससे भी आकर्षक विज्ञापन लेखन कर सकते हैं और उसके बगल में एक कोटेशन लिखो तो जानो, नीचे एक ऑफर है, आकर्षक ऑफर 3 पेज के साथ एक फ्री ग्राहकों को लुभाने के लिए, और उस वस्तु का चित्र अच्छी ढंग से बनाना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ आप इसमें अन्य सजावट भी कर सकते हैं, परंतु सजावट उतनी ही हो जितनी देखने में अच्छी लगे। तो इस प्रकार से विज्ञापन लेखन आप कर सकते हैं।